न्यू मॉडल एक्साइटेड वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा जो ट्रेंड रहा है हमेशा जो है एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ वे में चलता हूँ और मुख्तलिफ पैटर्न से वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप लोग की दिलचस्पी बरकरार रहे, और इसी चीज़ को हमने मद्देनजर रखते हुए आज की वीडियो डिज़ाइन की है। और इसमें जैसा कि आप जानते हैं संडे को मैं हमेशा कोई ऐसा शो लेके आता हूँ आप लोगों के लिए जिसमें आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, और उसके लिए बेशक मुझे कितना भी मनाना पड़े अपनी वालदा को मैं कोई उनको मना लेता हूँ। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने संडे को मुझे देखा था, हमने संडे को फंडे बनाया था और फंडे को बनाने के लिए मैंने अपने भाई को राजी किया था और फिर हम लोगों ने एक चैलेंज डिजाइन किया था, उस चैलेंज में मैं विन हो गया था और उस चैलेंज को आप लोगों ने बेहद अप्रिशिएट किया, जिसके लिए मैं पहले भी थैंक्स दे चुका हूँ और इस बार भी थैंक्स कहता हूँ। और उससे पहले जो संडे गुजरे उसमें हमने एक कुकिंग मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था अपनी वालदा के साथ, तो उसको भी आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था। सो टुडे हमने यही डिसाइड किया कि आज ब्रेकफास्ट को हम बनाए ब्रेकफास्ट बनाऊं मैं अपनी वालदा के साथ और उस पर उनको राजी किया, क्योंकि मैं इसमें वाकई कुछ नहीं कर सकता था, गेले खड़ोगे और मैं कोई 30 बार खान नहीं बन सकता था इधर, तो क्योंकि ये डिश ऐसी है जो आप में से बहुत सों को नहीं पता होगी कि ये डिश भी होती है नाश्ते में, क्योंकि हमारे यहाँ तो ट्रेंड से चल रहा आ रहा है काफ़ी टाइम से, मगर फिर भी हमें बहुत से ऐसी फैमिलीज मिलती हैं जिनको इस बारे में नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ है। रेसिपी ऑब्वियसली वालदा को पता है, वही इसको प्रिपेयर करेंगी, मैं उनके जस्ट हेल्पर खड़ा होऊंगा। तो और आप लोग को यही कहूंगा कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आपको यकीनन पसंद आएगी। और बहुत सारी जो फीमेल्स जो ऑब्वियसली कुकिंग शो भी करती हैं और जो घरेलू लड़कियां हैं जो अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंटर में जो न्यू ग्रोइंग मतलब बहनें हैं मेरी, वो सीखना चाहें तो वो ज़रूर उसको सीखेंगी। और वीडियो को मैं एंड में ये भी कहना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसमें मैं एक ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, मेरे पास जो रेशो आता है उसमें 43% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट हम्बल मेरी रिक्वेस्ट है तो कि आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो है मैं मजीद मोटिवेट हूँ और मेहनत करूँ इस वीडियोस बनाने के लिए आप लोगों के लिए। अगर आप देख रहे हैं यकीनन आप लोग देख रहे हैं, ये भी इसका भी थैंक यू, मगर एक आपसे रिक्वेस्ट वही है कि इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई से नई वीडियो आपके सामने आते हाजिर मतलब आती रहे। तो स्टार्ट सो गाइस मेरी वालदा आ चुकी है, इस डिश के बारे में आपको बताएंगी और इस डिश के बैकग्राउंड के बारे में बताएंगी किस तरह ये कितनी पुरानी डिश है और किस तरह इसको बनाया जाता है, किस तरह इसमें इनोवेशन आती रही इन हमारी फैमिलीज में, क्योंकि हमने जो अब तक सुना है कि ये बहुत पुरानी डिश है और कंटिन्यूस चली आ रही है, तो इस हवाले से मैं अब अम्मी को बोलता हूँ कि इस बारे में बताएं आप लोगों को, पहले बैकग्राउंड बताएं देन फिर उसकी रेसिपी किस तरह ये बनती है, क्या इसमें कुछ चीज़ें ऐड होती हैं वो सब आप बताएं। इससे पहले मैं आपको 2-3 रेसिपी दे चुकी हूँ और अब भी खुर्रम के पुरजोर इस राह पे, और आप लोगों ने भी कुछ लाइक किया था उस वजह से मैं फिर दोबारा से हाजिर हो गई हूँ और एक नई डिश और एक नई रेसिपी के साथ। ये जो रेसिपी है ये बच्चे बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि भाई इसको आप शेयर करें और आप इसकी वीडियो बना कर डालें, क्योंकि ये हमारी बहुत पुरानी ज़माने से ही तकरीबन अम्मी और अम्मी ने के भी उनकी अम्मी मतलब हमारी नानी वगैरह भी बनाती थी, फिर अम्मी बनाने लग गई। और ये इसको स्पाइसी सेवइयों का नाम दिया जाता है और इसको सुबह नाश्ते में भी हम लोग खाते हैं, रोज़ाना चाय पराठा और ये अंडा पराठा, ये डबल रोटी स्लाइस पापे, ये आम सी डिशें हैं और मतलब आम से ये नाश्ता है, तो इसके लिए हम लोग जब चाहते हैं कुछ चेंज होना चाहिए तो 15 दिन में एक दफ़ा हमारे यहाँ ज़रूरी बनती है। और इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता है, इसमें मतलब वेजिटेबल भी डाली जाती है और खीमे की सेवइयां भी बनाई जाती हैं, मगर मैं आपके सामने अंडों के साथ इन सेवइयों को बनाऊंगी। और ये बहुत अच्छी होती है, बहुत पसंद आती है, मेरी जो मेरे घर में 2 भवे आ गई हैं और उनके घर में भी ये पकती नहीं थी, मगर जब उन्होंने खाई तो उनको भी बहुत पसंद आ गया, वो भी फरमाइश करके ये सेवइयां बनवाती हैं घर में और खाती हैं, पसंद करती हैं। और अब उनके मतलब जो मेरे समझाने वाले उन्होंने भी कहा कि आप इसको यूट्यूब पे डालें ताकि हम लोग भी देखें और हम लोग भी इसको पकाएं और अपने घर में बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं और आपकी इस डिश से हम भी मुस्तफ़ीद हों। तो शुरू करती हूँ, मैंने और तमाम बच्चियाँ जो भी मेरी इसको वीडियोस को देख रही हैं और पसंद कर रही हैं, मैं उनकी बहुत मशहूर हूँ और मेरी बहुत दुआएँ हैं उन सबके लिए कि अल्लाह ताला जिन जो बच्चियाँ अपने घरों में बैठी हुई हैं वो साथ फेंके साथ खुशी खुशी अपने घरों में रुख्सत हो जाएँ और उनके माँ बाप के दिलों को भी सुकून अता फरमाए। और उसके अलावा इस जो
कुकिंग के शोबे में है, बड़ी बेहचाल चली हुई है, बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ हैं और मैं सबको देखती भी हूँ। बड़ी बड़ी शेफ़ यहाँ पर मौजूद हैं और मैं एक सीधी साधी सी औरत हूँ जो घर की कुकिंग करती हूँ और ये घर की छोटी मोटी सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी और अगर इसमें कोई गलती होगी तो आप उसको दरगुजर से काम लेंगे। तो सिंपल सी रेसिपी है, सिंपल सी डिश है, मगर ये है कि ये खाने में बहुत अच्छी है, टेस्टी है, अच्छी है। तो ये आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा कि मतलब ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा ना कितनी है। सवैया की तरफ सबसे पहले तो हमें इसमें सवैया चाहिए होंगी, जो हमने एक पाव सवैया ली है, इसको हमने हल्के से ऑयल में रोस्ट कर लिया है, इस वजह से कि फिर ये आपस में चिपकेंगी नहीं, पकने के बाद ये खिली खिली सी रहेंगी। उसके अलावा दो अदर प्याज है जो मैंने यहाँ पे जो दिखाया है, ये दो अदर प्याज है जो मैंने इसको काट लिया है, दो अदर टमाटर है जो इसको भी मैंने चॉप कर लिया है, और ये कुछ हरी मिर्चें हैं, कड़ी पत्ता है, और ये मसाले हैं, पिसी हुई मिर्चें हैं, हल्दी है, और ये सब पिसी हुई मिर्ची है और धनिया, और ये मैंने एक 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 टीस्पून लिया है। इसके अलावा एक टीस्पून ही नमक है, थोड़ा सा ज़ीरा है और हल्दी है और गरम मसाला है, और ये इसमें तेल है, तेल इसमें हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसमें ऑयल में हम इसको रोस्ट भी कर चुके हैं, तो हम इसमें तेल जो है वो तो ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे कि ज़्यादा चिकना ना हो, ज़्यादा नहीं, और खुली खुली भरेली सी रहेंगे। इसमें मैं एक सवाल कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है मेरे जैसे ऑडियंस, ये जो आपने सवैया जो इसमें रोस्ट करी, अगर मिसाल के तौर पर एक पाव आपने कही, एक पाव अगर सवैया से हम डालते हैं तो मिनिमम कितना ऑयल उसमें ऐड करेंगे? मतलब मेरे पास तो मतलब दो टेबल स्पून समझ लें, दो एक टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया, दो एक टेबल स्पून हम और इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें दो अंडे हम इसको फेंट के इस्तेमाल करेंगे। तो फिर चलते हैं इसको इसकी कुकिंग के लिए। और जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं, जब भी पैन पहले गर्म करना, तो उसके बाद अंडरस्टूड है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयल इसमें ऐड किया जाता है। जी अम्मी, पहले ऑयल डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, मैं पहले इसमें ऑयल डाल रही हूँ। गर्म है तो इसमें ऑयल फौरन ही गर्म हो गया है, इसमें मैं प्याज ऐड कर देती हूँ। देखिए आप लोगों को एक हमने इसमें एक लेसन भी दिया है कि जब भी, वैसे तो कोई भी जायज़ काम कार्य करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, तो और जब भी आप जब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत शामिल हो जाती है और बरकत शामिल हो जाती है, टेस्ट भी आती है। मैं अम्मी इसमें पहले ये प्याज ब्राउन होने का वेट करना पड़ेगा? प्याज को तो अभी तो बिल्कुल कच्ची ही है, तो इसको ज़रा ब्राउन से थोड़ा पहले मतलब नरम हो जाए ज़रा अच्छे से, तो उस वक्त तक इसको ज़रा सा अब चाहे तो तुम भी पका सकते हो, वैसे तो मैं तुमको बता के जाऊँ, मगर अब इसके अंदर हम टमाटर और ये जो हरी मिर्चें काटी थी वो हमने इसमें डालेंगे, और इसको भी हम नरम होने के हद तक पकाएंगे कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से नरम हो जाए। असल में अम्मी मैं इसलिए पका तो सकता हूँ, ज़ाहिर है लास्ट टाइम थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया मुझे, मगर भाई जिसका काम उसे ही सांझे। इसीलिए मैंने कहा इसमें मैं कोई टेंशन क्रिएट नहीं कर सकता, ऐसा ना हो लो भाई, क्योंकि ये थोड़ा सा हाथ का भी होता है ना, अंडे का खाएंगी ना, एज पर सिंपल तो आसान था थोड़ा। अब इसमें देखे ना, इसमें चीज़ें बहुत सारी हैं और कुछ गलत हो गया तो एक दफ़ा तो अच्छे से देख लो, हाँ, उसके बाद नेक्स्ट जो है फिर वो ज़्यादा तुम ट्राई करना। इसके बाद हम इसमें मसाले सारे ऐड करेंगे, ये सारे मसाले इसमें जाएंगे, ये मिर्ची, हल्दी, धनिया और नमक है, नमक थोड़ा सा मैं कम ही डाल रही हूँ। ये क्या चीज़ है? ये गरम मसाला है, गरम मसाला और नमक थोड़ा सा, आजकल मेरे मियाँ का हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो नमक में हमने हल्का ही रखा है। दुआ करेंगे अंकल ठीक हो जाए, उनका आजकल ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत तबीयत वैसी रहती है बहुत एहतियात के बावजूद भी, तो आप लोग सब दुआ कीजिएगा कि उनकी तबीयत बेहतर है, तो उसकी वजह से अब घर में एक भी इंसान की तबीयत ख़राब होती है तो घर में ज़रा सुकून जो है सब लोग परेशान हो जाते हैं। पानी डालना है इसमें, मैं एक कप पानी डालूँगी, पानी लो। ये मसाले को भून रहे हो, इसमें हम करी पत्ता भी ऐड कर देंगे। कड़ी पत्ता डालने की क्या वजह होती है अम्मी? करी पत्ता ज़्यादा खुशबू के लिए डालते हैं, ये कड़ी में जब कड़ी बनाते हैं या दाल वगैरह बनाते हैं उनमें बघार के लिए इस्तेमाल होता है, और इसमें भी हम लोग डालते हैं कि अच्छा लगता है, करी पत्ते का अपना इजाका होता है, और ख़ासतौर पर अगर ये फ्रेश मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, मगर ये कि फ्रेश हर जगह नहीं मिलता तो हम लोग घर में सुखा के रखते हैं ताकि उसको जब ज़रूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल करें। मैं इसको भी ढक दूँगी
और उसके बाद जब ये मैं टमाटर गल जाएंगे तो फिर मैं इसके अंदर पानी डाल के फिर इसके अंदर मैं अंडे ऐड करूँगी। मसाला भून रहा है, मसाला भूनने के बाद हम इसमें 2 अदद अंडे ऐड करेंगे। ये अंडे मैं फेंट लेती हूँ और फेंटने के बाद इसको हम मसाला भून जाएगा तो उसके डालेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, उस एंड हम इसको सेवइयां डालेंगे। ये अच्छे से मसाला भून गया, अब इसमें मैं अंडे डाल देंगे। अंडे ये 2 अदद हैं जिनको मैंने अच्छे से फेंट लिया, इसको मिलाया है। जब अंडे पक जाएंगे इसमें तो मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल दूंगी। पानी जब जब पानी में उबाल आएगा तो फिर मैं सेवइयां ऐड कर दूंगी। ये देखिए ये शुरू कर दिए, ये अंडे बन के इसमें अच्छे से भून गए। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी वैसे तो मैं अंदाजे से डालती हूँ मगर मैं आपको दिखाने के लिए इसमें डाल देंगे। पानी वैसे तो मैं जब घर में बनाती हूँ तो मैं अंदाजे से पानी डालती हूँ मगर आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। पानी डालने की वजह क्या होती है? पानी डालेंगे तो सेवइयां गलेंगी ना। अच्छा, और सेवइयां जो है वो पानी बहुत पीती है इसलिए हमें पानी ज़रा ज़्यादा डालना पड़ता है। अच्छा। और ये पानी सेवइयां डालते के साथ ये पानी सब गायब हो जाएगा। लोग भी हैरान होंगे, उन्होंने शीर कोरमा में सेवइयां खाई होंगी, मीठी सेवइयां खाई होंगी, मगर ये इतने मसालों में सेवइयां जाएंगी। उबाल आएगा ना तो इसके अंदर सेवइयां डाल देंगे। वही ना मैं बोल रहा हूँ, मेरे ऑडियंस ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि यार इतनी हमने मीठी मीठी सेवइयों का टेस्ट किया है, इतने मसाले में सेवइयां जाएंगी तो क्या इसका। यही तो इस डिश की खासियत है, यही तो इसकी हमें वाउनेस है कि जब ये बनती है तो हम थोड़े हैरान जरूर होते हैं मगर जब इसका हम टेस्ट करते हैं, और जो स्पाइसी लवर्स हैं उनके लिए तो ये यकीन करें बहुत ही अमेजिंग होगी और उनको एक चेंज मिलेगा ब्रेकफास्ट में। अब ये आपकी चॉइस पे, आप तो ब्रेकफास्ट में खाते हैं, लंच में खाते हैं, डिनर में खाते हैं, एज पर योर चॉइस, बट हम लोग इसको ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट में खाते हैं, सही है। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये हमारा मतलब लंबा एक्सपीरियंस है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। मैं तकरीबन अगर बहुत आज मेरी उम्र 31 है तो मैं इसको मैं होशमंदी में जब भी ये हमारे सामने आई है, मैं 7-8 साल का इंसान होशमंद में आ जाता है तो उस वक्त से मैं हम इसको खा रहे हैं और मतलब हमारे यहाँ इतना सारा बनता है भर के और सब खाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा बनता है, अमेजिंग डिश है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पानी में अच्छे से जोश आ गया है, अब इसमें हम सेवइयां ऐड करेंगे। ये सेवइयां इसमें गई और ये अब देखना आपको पता भी नहीं चलेगा पानी कहाँ गायब हो गए। इसमें ये कि आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही इसमें पानी थोड़ा सा कम रह जाए, मतलब इस तरह रह जाए, उसके बाद हम इसको दम पे लगा देते हैं, मतलब आप इसको ढक दें थोड़ी देर के लिए ताकि ये इस तरह हो जाए और देन फिर हम इसको, अब जैसे ही ये वीडियो आगे बढ़ेगी तो हम आपको सर्व करके दिखाएंगे किस तरह से एक सेवइयां बन जाती हैं जो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। डिश जो है बन चुकी है, जैसा कि आप इसका व्यू देख रहे होंगे, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10 से 12 मिनट में ही डिश बन गई है। मतलब जाहिर सी बात है अगर आप ज़्यादा समय लेंगे, ज़्यादा बड़े पैमाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, मगर इसको बनने में ज़्यादा हार्डली 10 से 12 मिनट लगे हैं और ये डिश बन चुकी है। और अब मैं इसको मैं टेस्ट करना चाहूँगा। नॉर्मली इसमें ये भी बता दूँ, कुछ हमारे जैसे बहनोई हैं वो केचप के साथ इसको खाते हैं, मगर क्योंकि हमने जो सीखा है और जो हमें जिस चीज़ की पसंद आती है वो अभी अचार के साथ, तो इसके लिए अचार होता है तो ये टेस्ट इसका और दुबारा हो जाता है। तो इस प्रेजेंटेशन में हमने अचार को भी ऐड किया है। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया का इशू है, बहुत ज़्यादा आपके और सबसे ज़्यादा आपके हाथों से ही आपके जरासीम आपके पेट में जाते हैं और आप बीमार हो जाते हैं, तो उसकी सेफ्टी के लिए हमने यहाँ सैनिटाइज़र भी मेंशन किया, सैनिटाइज़र भी रखा है ताकि आप सेफ रहें। अगर आप घर में हैं तो ऑब्वियसली हाथ धो लें साबुन से, लेकिन अगर बाहर हैं तो कीप इन योर हैंड, कीप इन योर पॉकेट सैनिटाइज़र।
सो आपके लिए अच्छा होगा। ये एक सेफ्टी फीचर था, एक अच्छी सी बात थी जो हमने ऐड कर दी इसमें। अब मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ, आज मैं आपको टेस्ट करके बता दूंगा कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अचार ऐड करेंगे, अचार के साथ ही खाने में बहुत मज़ा आता है। और ये अचार जो है वो बिल्कुल पेस्ट है, तो इसके साथ इसको मिक्स करने में आसानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्म है, जैसे गर्म में तुम्हें इतना पता नहीं चलेगा। वैसे मेरी एडवाइस है थोड़ा ठंडा कर दीजिएगा, मगर वैसे अचार के साथ अमेजिंग टेस्ट है। जैसे ये होती है उससे बेहतर बनी है। अब जरा मैं ठंडा करके खाऊंगा, अब मैं इसको थोड़ा ठंडा करूंगा क्योंकि मैं ऐसा ना हो मेरे धुएं निकल जाए, ठीक है ना। सो गाइस बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का, हमारी इस वीडियो, हमारे जो कंटिन्यूसली जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे साथ हैं, हमारी वीडियो का इंतजार करते हैं, हमारे हमें अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो के लिए हवाले से भी यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। कंप्लीट देखिएगा, जब आप कंप्लीट देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसके मतलब वीडियो के मतलब इसके मतलब ये डिश जो है कैसे बनती है, इसका क्या टेस्ट है, वो ऑब्वियसली तमाम पूरी कंप्लीट वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। सो गाइस अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you.